तो दोस्तों ये है जेब्रोनिक का सांबा मॉडल, बहुत ही अच्छा मॉडल है ये। कस्टमर कह रहा है कि मैंने कुछ दिनों से इसको उठा के रख दिया था, लेकिन अब मैं चला रहा हूँ तो इसमें कोई साउंड नहीं आ रही है। तो चेक करते हैं अपने इस सांबा मॉडल को, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी मेन पावर दे के देखता हूँ, ऑन कर दिया। देखिए लाइटिंग देखिए कितनी बेहतरीन है इसके अंदर। और ये मैं इसको लगा लेता हूँ FM पर, ये FM आ गया दोस्तों। दोस्तों ये फुल वॉल्यूम है बिल्कुल, देखिए टोटल वॉल्यूम यही है इसमें। स्पीकर में बहुत ही कम आवाज आ रही है दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी खराब है दोस्तों, इसका वॉल्यूम। और इसका ये बेस भी काम नहीं कर रहा है, और इसका ये ट्रेबल भी काम नहीं कर रहा है। अक्सर होता क्या है कि रखे हुए सेटों में क्या है, वॉल्यूम बेस ट्रेबल सब खराब हो जाते हैं। तो या तो सीलन वाली जगह से बचा के रखें, इसका फ्रंट खोलते हैं और इसके वॉल्यूम बेस और ये कंट्रोल को चेंज करते हैं। अभी देख रहे हैं दोस्तों आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर है, और बेस तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो एक बार मैं इसका वैसे बेस चेक कर लेता हूँ खोल के, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हटाया मैंने दोस्तों, मैं इसकी ऑडियो चेक करता हूँ पहले का। ये है, ये IC लगे हुए इसके, देखिए बूफर पर ऑडियो आ रही है, बूफर ठीक है। और स्पीकरों पर भी चेक कर लेंगे, वो बूफर ठीक है इसका, स्पीकरों पे आ ही रही है थोड़ी थोड़ी आवाज़। तो अब हम इसको फ्रंट से खोलते हैं और इसके कंट्रोल को चेंज करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अभी एक बार ऐसे ही अटका देता हूँ दो पे, ताकि काम करने में हमें आसानी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फ्रंट पैनल जो है अलग कर लेंगे। ये देखिए इसका थोड़ा आराम से निकल जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कर लिया हमने अलग। ये देखिए दोस्तों इसमें लगी हुई है ये वायर, तो इस जैक को आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके जो स्विच है ना बटन, वो भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। और ये वॉल्यूम कंट्रोल, तो इसके सारे कंट्रोल हमें चेंज करने हैं, तो इसके सारे कंट्रोल हमें चेंज करने होंगे, वॉल्यूम बेस ट्रेबल। तो उसके लिए हम इस पैनल को कर लेते हैं बिल्कुल अलग कर लेते हैं। ये हो गया अलग दोस्तों, ये जैक लगा हुआ है इसको अलग कर दिया हमने। अब शुरू करते हैं अपने पैनल के ऊपर काम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका ये बोर्ड खोलूँगा। बोर्ड खोलने से पहले दोस्तों इसकी नॉबें निकाल लेंगे, नॉबें आराम से खींचनी है, ज़रा ऐसे खींचेंगे ज़ोर से थोड़ा सा दोनों हाथों के सहारे से, तो ये निकल जाएगी। ऐसे ही इसको निकालेंगे दोस्तों, ये तीनों नॉबें निकल चुकी हैं। नॉबों को करते हैं साइड में, और अब हम इसको खोलेंगे दोस्तों। इसको खोलने के लिए चाहिए होगी हमें गोटी, लगा लेंगे 10 नंबर की। या तो दोस्तों हम इसको इस प्लास से ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे खोलने के बाद इसी का तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है कई बार खोलने में, लेकिन मैं इस प्लास का यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास है ये वॉल्यूम के नट के बराबर की गोटी, ये गोटी है 10 नंबर की। तो देखो दोस्तों 10 नंबर इस पर लिखा हुआ, ये देखिए इसमें टाइम बहुत बचता है। देखिए दोस्तों तीनों गोटी, वो तीनों पेज खुल गए हैं। अब ये नट खोलेंगे हम, अब ये वाले पेज खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसके पेज हमने खोल लिए हैं सारे, पेचों को संभाल के रखेंगे। तो इसको हम खोल लेते हैं, ये खुल गया दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें लगे होंगे ये 1, 2, 3 टोन, ये डुअल टोन है, ये सिंगल है, लेकिन ये भी हमें डुअल ही लगा देंगे हम। और ये है इसके 5 स्विच, तो इन सभी को हम कर लेते हैं अलग। दोस्तों अब हम इस बोर्ड से अपने तीनों कंट्रोलों को बाहर निकाल, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिसोल्डरिंग पंप का, क्योंकि सोल्डरिंग काफ़ी बड़े बड़े टाँके हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसोल्डरिंग पंप का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा डिसोल्डरिंग पंप है, अब देखिए इस तरह से डिसोल्डरिंग पंप का यूज़ होगा। क्योंकि ये चाइनीज सोल्डर है, डिसोल्डरिंग वायर के अंदर आएगा नहीं, और वैसे करेगा आपको तंग। तो जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब हम चेंज करेंगे इसके तीनों कंट्रोल। दोस्तों ये मैं टोन ले आया हूँ, देखिए दोनों टोन 10K के हैं, तो इसमें 10K के लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है 50K का। बेस 10K का है और वॉल्यूम भी 10K का है, ट्रिबल जो है वो 50K का है। तो देखिए इसमें जो पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट को हम तोड़ देंगे। देखिए इसमें पॉइंट नहीं बना हुआ है, एक बोर्ड हटाना पड़ेगा तभी देख पाएंगे आप। देखिए इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस पर फ्लक्स लगा देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लगानी दोस्तों, ताकि हमारी सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों अब हम करेंगे इसको, पीछे वॉल्यूम को सेट कर लेंगे टोन कंट्रोल को, और इसके ऊपर लगाएंगे हम सोल्डर। दोस्तों सोल्डरिंग हो गई है, अब थोड़ा सा इस बोर्ड को करेंगे हम साफ। इस बोर्ड को साफ करेंगे दोस्तों। एक साफ कपड़ा रखेंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सीना डाल के इससे हम इसको साफ कर देंगे। इससे क्या होगा, बोर्ड साफ हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल। अभी देखिए बोर्ड साफ हो गया ना एकदम। तो दोस्तों इसको करते हैं हम अब इसमें बोर्ड को फिट। सबसे पहले इसको बिठा लेते हैं, बैठ के इसके पेच लगाते हैं 6x6। थोड़ा हल्के हाथ से यूज़ करेंगे मशीन का दोस्तों। ठीक दोस्तों हो गया हमारे फिट तीनों। अब हम लगाते हैं इसके तीनों की नॉब। कंट्रोल को घुमा के एक साइड कर लेंगे ना, बिल्कुल बंद वाली पोजीशन में, क्योंकि इसमें निशान बने हुए ना, उसके हिसाब से लगाएंगे। दोस्तों ये हो गई हमारी तीनों कंट्रोल सेट हो गए हैं। इनको दबा के चेक कर लेंगे दोस्तों, जैसे कोई बटन ना दब रहा हो ना, तो थोड़ा सा इसको लूज़ वगैरह भी करना पड़ जाता है कई बार। हल्का सा मैं लूज़ कर रहा हूँ इसको। थोड़ा लगता है और लूज़ कर देते। ठीक है दोस्तों पांचों क्लिक कर रहे हैं। अब हम इसको करते हैं बोर्ड को फिट। तो दोस्तों अब हम अपने सेट को फाइनल चेक करते हैं, इसमें फॉल्ट निकला है या नहीं निकला। तो ये बोर्ड हम साइड में करते हैं और अपना मेन यूनिट यहाँ लगाते हैं। ये हमारा मेन यूनिट आ गया दोस्तों। अब सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ। ये हमारा कनेक्टर लग गया। अब इस दोस्तों इसको करते हैं चेक। अभी इसको मैं लगा रहा हूँ टेम्परेरी, फाइनल होने के बाद इसको कैसे फिक्स करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों पहले मैं इसको दे देता हूँ मेन सप्लाई। ये मैंने मेन बोर्ड में लगा दिया। और ये दोस्तों स्पीकर में दूसरा ले आया सुंदर सा, तो ये इसको मैं निकालता हूँ और इसको लगा देता हूँ मेन स्पीकर, फ्रंट स्पीकर में एक में। तो दोस्तों अब मैं इसकी ऑन करता हूँ पावर। तो ये मैं इसकी पावर ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन हो गई दोस्तों, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, लुक बहुत अच्छी है सेट की। देखिए अब मैं इसको कर देता हूँ FM मोड पर, इनपुट चेंज करता हूँ इसकी। ये वॉल्यूम कम हो रही है दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा सेट अब ठीक हो गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये ट्रिबल काम कर रही है दोस्तों। ये देखिए बेस कम, ये ट्रिबल का कंट्रोल, ये बंद कर देता हूँ मैं। अभी आपको पेन ड्राइव इसमें चला कर दिखा देता हूँ, एक मिनट के लिए म्यूट करेंगे।
तो दोस्तों मैं इसमें आपको एफएम सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी पेन ड्राइव मुझे अभी मिली नहीं है। तो ये एफएम आ रहा है, देखिए ये एफएम। जब एक क्लिक में घर बैठे मिले गाजर का हलवा, तो कार सर्विसिंग क्यों नहीं? तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा सेट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बाकी फिटिंग मैं कर लूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और किसी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।